सोना है आपको? हाँ। तो जिसका ऊपर बर्थ है वो बैठेगा नहीं? हाँ? बड़ा बर्थ बैठेगा नहीं? सोने का टाइम होता है। तीखा तो है ही है। नमक सही है? नमक थोड़ा कम है। थोड़ा कम है। और जी क्या हाल चाल है आप सभी के? सो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02392 सरमजीवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना न्यू दिल्ली से दोपहर 1:10 में निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 10:25 में राजगीर पहुंचाती है। लगभग हम लोग इस ट्रेन से 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 30 हॉल्ट के साथ 21:15। तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और कुछ देर में अपनी गाड़ी आने वाली है। वैसे अभी टाइम हो रहा है 12:10, तो लगभग 1 घंटा का समय बाकी है और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं 3rd AC कोच में और आज अपनी कोच है B1 और सीट है 56। और इस ट्रेन का डिमांड भाई साहब लगभग 2 साल से हो रहा था। आप सभी लोग बोल रहे थे भैया सरमजीवी सुपरफास्ट में जर्नी कीजिए, तो लो भाई फाइनली आज मौका मिल गया है आप लोगों को जर्नी करके ब्लॉग दिखाने का। और देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अभी जस्ट आई है लखनऊ तेजस एक्सप्रेस इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। लो जी तो आ गई अपनी ट्रेन और इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ है तुगलकाबाद का WEB 7 लोकोमोटिव। कौन सा कोच है आपका? D2। आगे चले जाइए, पता दिखा देते हैं। ये हो गया D1। तो ये रही अपनी बर्थ साइड लोअर 56 जी। तो आज हम लोग पानी लेने वाले हैं अपने फैमिली मेंबर से, ये अपने सब्सक्राइबर ही हैं और ये अभी मुझे देखे और पहचाने। कौन सा वीडियो देखे थे आप? पम्बन ब्रिज वाला और ये लखनऊ शताब्दी का। और लखनऊ ये तेजस वाला? नहीं, लखनऊ शताब्दी तेजस का भी देखा। तेजस भी देखे हैं। तो आप भैया पहले आप 2 बोतल पानी दीजिए हमको और आनंदा का मिल्क शेक फ्लेवर्ड मिल्क इलायची फ्लेवर वो एक दीजिएगा। वैसे क्या नाम हुआ आपका? शिवम। शिवम कहाँ से हैं? इटावा से। चलिए कितना हुआ उसका? 30 और 30 60। जब से कोविड आया है तब से ट्रेन जर्नी करने में कुछ ऐसे पैसेंजर हैं जिन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जिन्हें पिल्लों पे सोने का आदत है, पिल्लों वगैरह बेडरोल वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन आप ना स्टेशन पे भी आप ले सकते हैं, स्टेशन पे जो स्टॉल है ना वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको रेट बताता हूँ कि अगर आप बेड रोल किट लेते हैं तो कितने का पड़ेगा, अगर से आप सिंगल पिल्लो लीजिएगा तो वो कितने का पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर आप बेड रोल किट लीजिएगा तो ये आपको पड़ेगा 325 का, जिसमें एक फेस मास्क रहेगा, हैंड सैनिटाइजर रहेगा, पेपर सोप रहेगा, एक पिल्लो रहेगा, एक ब्लैंकेट रहेगा, बेड शीट रहेगा, बेड शीट फॉर स्प्रेडिंग बिछाने वाला रहेगा, एक ओढ़ने वाला रहेगा। ये आपको पड़ेगा 325 का, ये आपको किट पड़ जाएगा। अगर आप सिर्फ पिल्लो लेना चाहते हैं, बेडशीट आप घर से लाते हैं, तो ये आपको पड़ेगा 150 का, 150 का। और साथ ही सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं लगेज वगैरह लॉक करने के लिए ये चेन वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ये आपको पड़ेगा 80 का, 100 का और 120 का। लॉक वगैरह भी आपको मिल जाएगा अब ये 20 का, 40 का और 50 का। ठीक है भैया। सो गाइस तो अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकल चुकी है। आपका कौन सा सीट है? कौन सा सीट है? 63। ठीक तो सीट पे बैठिए, क्या दिक्कत? वही बात बोल रहे भैया, सोना है आपको? हाँ। जिसका ऊपर बर्थ है वो बैठेगा नहीं? बड़ा बर्थ बैठेगा नहीं? सोने का टाइम होता है ना, आपको सोना है तो ऊपर जाके सो जाइए। ठीक है, ऊपर जाके सो जाइए, बैठना है तो नीचे बैठिए। खाना बनेगा, वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी, सोने का टाइम होता है ना। अगर आपका तबीयत खराब है ऊपर जाके सो जाइए। ठीक है,
वो तांबे भरा क्या कर रहा है टीटी को लाई तो फालतू वाली बात करके भाई इसमें टीटी का क्या बात नहीं अब अगला कोई बीच में से बैठ रहे नहीं बैठा माइनस है कि नहीं नौ बजे के बाद आप सो सकते हैं नौ बजे का पहले दिन में नहीं सोता है ऊपर जाके सोइए ऊपर वाला जिसका है तो इसे बात कर रहे हैं अभी वेज बिरयानी है मुझे पड़ा 80 का और एक बिरयानी अगर आप लीजिएगा वो पड़ेगा 100 का गरम 90 का गरम तो है ही और ये हमने लिया मही मैंगो ड्रिंक्स 600 ml का ये मुझे पड़ा 40 का जितना ही मतलब ऐसा ऐसा ब्रांड है ना पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ ये सब ब्रांड आपको स्टेशन पे और ट्रेन के अंदर ही देखने को मिलेगा बाहर आपको नहीं मिलेगा वैसे हमने ट्राई किया ऐसा ही है लेकिन वेज बिरयानी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है लंच में फ़िलहाल अभी इस ट्रेन में यही मिल रहा है वेज बिरयानी और एक बिरयानी हाँ लेकिन रात में आपको बैंटी का बना हुआ खाना मतलब रोटी वगैरह रोटी सब्जी दाल वगैरह वो मिलेगा तो मैं आज पेंट्री का ही खाना ट्राई करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा रात में पेंट्री का खाना इस ट्रेन का कैसा है ये रहा वेज बिरयानी इसमें हरा मटर आपको दिख रहा होगा मैं वेज बिरयानी के टेस्ट की बात करूं तो एवरेज है आप ट्राई कर सकते हैं घर जैसा तो आपको मिलेगा नहीं राइस जो है ना ट्रेन में आपको मोटा मिलता है लेकिन फिर भी अगर आप लंच नहीं लाते हैं वैसे ये ट्रेन चलती है 1:10 में तो कोशिश यही कीजिए कि घर से खाना खा के आइए हम भी घर से खाना खा के आए थे लेकिन आप लोगों के लिए हमने ये पेंट्री का बना हुआ ये वेज बिरयानी लिया ताकि जो अगर नहीं लाए खाना घर से तो ट्रेन का खाए बताएंगे तब ना कि कैसा है तब तो आप लोग खाइएगा ना वैसे एवरेज आप खा सकते हैं हाँ जी तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है MB और यहाँ इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम मुरादाबाद जो है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद फेमस है ब्रास इंडस्ट्री के लिए मतलब पीतल के उद्योग के लिए यहाँ पे छोटे बड़े पैमाने पे बहुत सारे पीतल के उद्योग हैं इसीलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है अगर मैं खाने पीने की बात करूँ अगर आप वेज लवर हैं तो मुरादाबादी दाल जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ अगर आप आते हैं तो अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो आप सभी को पता है ही मुरादाबादी फेमस बिरयानी वो ट्राई कीजिएगा अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1873 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2012 में बैग वाला है ना जी नाश्ता गरम खाइएगा पनीर के पकौड़ा खाइएगा हाँ जी तो ये आ गया अपना पनीर पकौड़ा 40 का मुझे पड़ा ये 4 तो ट्राई करते हैं टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है 40 में मुझे पड़ा ये 4 आप ट्राई कर सकते हैं वैसे स्नैक्स में आपको चाउमीन भी मिलेगा लेकिन चाउमीन मुझे खाना पसंद नहीं था इस वजह से हमने नहीं लिया हमने लिया यही पनीर पकौड़ा आप भी ले सकते हैं सही है हाँ जी तो अभी शाम के बज चुके हैं 7 और अभी कुछ देर पहले आए थे भैया पेंट्री से
डिनर का ऑर्डर लिए हैं, तो अभी आपको रात में डिनर में इस ट्रेन में मिलेगा वेज थाली और नॉन वेज थाली। वेज थाली आपको पड़ेगा 120 का, नॉन वेज थाली पड़ेगा जिसमें एक करी रहेगा वो आपको पड़ेगा 130 का। तो वेज थाली में आपको मिलेगा दो पूरी, चावल, दाल, दो सब्जी और अचार, और नॉन वेज थाली में ये सारा चीज़ रहेगा और साथ में सिर्फ आपको अंडा करी ऐड रहेगा, वो आपको पड़ेगा 130 का। हमने आपको ऑर्डर लेते वो नहीं दिखाया कैमरा पे, क्योंकि अगर हम कैमरा से अगर वो रिकॉर्ड करते ना तो मुझे डिनर ना पेंट्री का नसीब नहीं होता, क्योंकि कैमरा देख लेते तो वो बोलते नहीं नहीं हम नहीं लेंगे आपको रेडी टू ईट देंगे। तो इस वजह से हमने कैमरा से रिकॉर्ड नहीं किया, ऑर्डर कर दिए हैं तो भैया लेके आते हैं, तो उसके बाद टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि पेंट्री का खाना इस ट्रेन में खाने लायक है या नहीं। सो गाइस, सॉरी, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, जब भी मुझे मौका मिलता है ट्रेन में भी जहाँ भी, तो रिप्लाई मैं कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक लोगों को मैं रिप्लाई करूँ। तो एक भाई का देखिए मैसेज आया, मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। उन्होंने मैसेज किया है कि इनसे 3 टिकट का चार्ज लिया गया 7200 रुपया, जबकि इस टिकट का एक्चुअल प्राइस था 3791 रुपया। और इस भाई का नाम क्या है भाई? शिवम कुमार जी, इन्होंने मैसेज किया है। और इस तरह का मैसेज नहीं कि ये पहली बार आया, इस तरह का मैसेज महीना में 4-5 ऐसा मैसेज आता है टिकट के साथ, जिसमें उनके थ्रू बताया जाता है कि टिकट का जितना प्राइस है ना उससे डबल प्राइस लिया जाता है अगर वो टिकट बुकिंग करवाते हैं ऑनलाइन साइबर कैफे से। तो ये किन के साथ होता है पता है? ये श्रमिक भाई लोगों के साथ होता है जिन्हें मतलब टिकट बुकिंग करना नहीं आता है खुद से, तो वो जाते हैं साइबर कैफे में और वहाँ भैया लोग, चाचा लोग जो भी टिकट बुक करते हैं वो डबल प्राइस पे, मतलब 1000 का टिकट है तो उनसे लिया जाता है 2000 रुपये और उन्हें झूठ बोला जाता है, झूठ साँच बोलते हैं कि ये 2000 का टिकट है। और कभी कभी तो क्या होता है ना, मैं जर्नी करता हूँ तो मैं देखता हूँ ट्रेन में कि मतलब वेटिंग टिकट बना के प्रिंट आउट निकाल के वो दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि ये आपका सीट नंबर है चले जाइए, और स्टेशन पे आते हैं ट्रेन में और पता चलता है वो देखते हैं कि मेरे यहाँ तो सीट है ही नहीं, दूसरे से टिकट चेक करवाते हैं, पेपर लेके आते हैं जीरोक्स कि भैया देखिए तो मेरा कौन से कोच में सीट है, जब मैं देखता हूँ तो पता चलता है, हम नहीं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे सामने 2-3 लोग आए तो जब मैं देखता हूँ तो पता चलता है वेटिंग टिकट है। तो ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का टिकट बनाते हैं और ख़ास तौर पे श्रमिक लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि जो समझदार है वो तो खुद से टिकट बुक करेगा, वो तो जाएगा नहीं, 1000 का 2000 वो चार्ज करते हैं। तो भाई जो भी साइबर कैफे वाले भाई लोग हैं, चाचा लोग हैं, जो भी है, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, इस तरह का काम क्यों करते हैं आप लोग बताइए, ये करना कहाँ तक सही है, थोड़ी सी शर्म कीजिए। 1000 का टिकट है आप 10% एक्स्ट्रा लीजिए ना, नहीं हो रहा 10% तो ठीक है 20% ले लीजिए, लेकिन आप ये डबल चार्ज कर रहे हैं ये तो कहीं भी सही नहीं है। और इस तरह का मैसेज लगातार आते रहता है, महीने में 4-5 मैसेज आता है और बोला जाता है कि देखिए मेरे पड़ोसी के साथ स्कैम हो गया। वो लोग क्या करते हैं, रेलवे को ट्वीट करते हैं, IRCTC को टैग करके ट्वीट करते हैं, लेकिन वहाँ से रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि ये टिकट बुक करने वाले ना अपना जो इसका आईडी होता है ना वेंडर आईडी, उसे वो बुक नहीं करते हैं, वो करते हैं अपने पर्सनल बुकिंग आईडी से करके और इस तरह का स्कैम करते हैं। जो भी ये काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, चाहे वो भैया हो चाहे चाचा हो जो भी हो जिस भी एज को हो, जो जिनका ये साइबर कैफे चलता है, हर शहर में आप देखते होंगे टिकट बुक कराने के लिए दुकान खोल के ऑनलाइन टिकट बुक किया जाता है, प्लेन का टिकट बुक किया जाता है, वहाँ पे इस तरह का स्कैम भी अधिकतर हो रहा है लॉकडाउन के बाद। तो भाई देख ले, ऐसा ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी आप शर्म कर लीजिए, इस तरह का काम नहीं कीजिए, क्यों गरीबों को लूट रहे हैं, ये सही है। 10% 20% लीजिए ना मर्दे, आप एकदम 100 का टिकट है तो 200 लीजिएगा, 1000 का टिकट है 2000 लीजिएगा, ये कहाँ तक सही है अभी बताइए। सो गाइस, तो अभी रात के बजने वाले हैं 8:15 और कुछ देर बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं लखनऊ जंक्शन इस ट्रेन का 5वां हॉल। इससे पहले अपना डिनर आ चुका है, पेंट्री का बना हुआ वेज थाली जो मुझे पड़ा 120 का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस वेज थाली में क्या क्या है और टेस्ट कैसा है। सबसे पहले तो देखिए दाल, और दाल का थिकनेस भी सही नज़र आ रहा है, सही है। और ये है आलू की सब्जी, राइस, और राइस गर्म है साथ में पिकल। और ये देखिए, ये रहा मटर पनीर की सब्जी और ग्रेवी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब तो खाएंगे तो पता चलेगा। साथ में पनीर है, ये देखिए हरा हरा मटर है, और ये पूरी, दो पूरी मिलता है वेज थाली में, लेकिन दो पूरी हमने एक्स्ट्रा मंगाया है। तो यही है आज का डिनर, तो करते हैं डिनर और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो हमने हर चीज़ ट्राई किया है, पनीर की जो सब्ज़ी है ना मटर पनीर की सब्ज़ी, उसमें मसाला कुछ ज़्यादा ही है, मुझे ज़्यादा मसाला खाना पसंद नहीं है, और नमक थोड़ा सा कम है। और रही बात दाल की,
तो दाल बहुत बढ़िया है, राइस भी बढ़िया है। बस ट्रेन में किस तरह का चावल मिलता है आपको पता है ही, फिर भी सही है। पूरी भी गर्मा गर्म है और ये आलू की सब्जी वो भी बहुत बढ़िया है, इसमें नमक वगैरह सब सही है। लेकिन ये मटर पनीर की जो सब्ज़ी है ना, इसमें नमक थोड़ा कम है, मसाला कुछ ज़्यादा ही है। अब जिसे ज़्यादा मसाला खाना पसंद है तो उनको अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी थाली 120 की थाली ये जो है ना बहुत बढ़िया है, आप खा सकते हैं, आँख बंद करके आप ले सकते हैं। बस ये मसाला वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये हो सकता है उन लोगों को जिन्हें ज़्यादा मसाला खाना पसंद नहीं है। वैसे बहुत बढ़िया थाली, आप ले सकते हैं। देखिए भैया लोग भी मतलब डिनर ऑर्डर किए थे और ये भी टेस्ट किए हैं, तो बताएंगे टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट ठीक है, ठीक है, खा सकते हैं ना। ये मटर पनीर कैसा लगा आपको? मटर पनीर मतलब अच्छा लगा, सही है ना। हमें तो थोड़ा तीखा लगा, आपको भी लगा क्या? तीखा तो है ही है। नमक सही है? नमक थोड़ा कम है। और सब दाल वगैरह ये सही है? दाल चावल सही है, खा सकते हैं। तो हमने भी आपको बोला है कि मतलब थाली जो मिल रही है ना वेस्ट 3120 की, वो सही है, आप ट्राई कर सकते हैं इस ट्रेन में। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट नवाबों का शहर लखनऊ, जिसका स्टेशन कोड है LKO, और यहाँ पे इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। वैसे तो लखनऊ में कई बार आया हूँ और जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ का टुंडे कबाब और हाँ बास्केट चाट कहाँ का हज़रतगंज का ज़रूर ट्राई करता हूँ। आपको भी मौका मिले ना लखनऊ आने का तो ये दो चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं अगर मैं स्ट्रेन की खाने पीने की बात करूँ तो भाई पेंट्री का खाना बहुत ही बढ़िया था, वो बात अलग है कि मुझे मसाला ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद ये मेरी दूसरी ऐसी ट्रेन है जिसका पेंट्री का खाना मुझे अच्छा लगा। इससे पहले अगर आप मेरा पुराने सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा मूरी एक्सप्रेस का पेंट्री का खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था लॉकडाउन के बाद, और ये इस ट्रेन का भी पेंट्री का खाना बहुत ही बढ़िया था। तो खाना पीना हो गया, अब बात है क्या मीठा पीने का, देखते हैं यहाँ पे अगर मीठा वगैरह मिल जाए तो। मीठा में अब पल्पी ऑरेंज पहले खोजेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर अमूल कूल, नहीं तो आनंदा का दूध मिल्क, और देखिए यहाँ बारिश हो रही है। सो गाइस, तो देखिए स्टेशन पे एक मिले अपने फैमिली मेंबर, ये स्टाफ ही है लेकिन अपने फैमिली मेंबर भी हैं। वीडियो कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है, लोग अच्छे समझाते हैं सर। वैसे ये काम करते हैं स्टेशन पे ही साफ सफाई, मतलब ट्रेन में पानी वगैरह फिल करिए, वाटरिंग का काम। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आइए आगे आइए। चलिए बटर मिल्क था कितने का? 30। मॉर्निंग गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट आरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ARA, और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट डिले। और आरा जो है ये पड़ता है अपने बिहार में, और रात में जब हम लोग सो रहे थे लखनऊ के बाद तो TT साहब आए और बोले कि अपने लगेज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा लखनऊ के बाद, क्योंकि कुछ दिनों से केस ऐसा आ रहा है ना कि लगेज चोरी का केस आ रहा है लगातार 3 महीने से, वो भी AC कोच में।
तो आप भी अगर जर्नी करते हैं तो अपने लगेज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। छोटा लगेज खास तौर पर टारगेट किया जाता है, तो छोटा लगेज जो भी होगा ना वो सर के नीचे रखिएगा, तब जर्नी कीजिएगा। माड़ा दानापुर रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है DNR और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट डिले। वैसे अपनी टिकट ना राजगीर तक थी लेकिन प्लान हमने अभी चेंज कर दिया है, हम पटना तक ही जर्नी करने वाले हैं। वैसे पटना से राजगीर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है और राजगीर हम लोग को पहुँचाएगी सुबह 10:25 में, फिर वहाँ जाना होगा, फिर वहाँ से मुझे पटना ही आना होगा क्योंकि अगली ट्रेन जर्नी पटना से ही होने वाली है। वो ट्रेन जर्नी आपको इस ट्रेन जर्नी से पहले देखने को मिलेगा, तो इस जर्नी को पटना तक ही रखते हैं। फिर कभी दोबारा मौका मिला तो राजगीर जरूर जाएंगे और वहां से ट्रेन में बोर्ड करके आपको जर्नी दिखाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है PNBE और यहां पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहां पहुंचे हैं 10 मिनट डिले। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, चाहे वो खाने पीने की बात हो तो खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे मैं जर्नी कर रहा था 3rd AC में जिसका फेयर मुझे पड़ा 1450 रुपीज़ न्यू दिल्ली से राजगीर तक का, लेकिन भैया आपको वीडियो देखता हूँ। ओके यहाँ आप देखिए एक अपने छोटे से फैमिली मेंबर मिले हैं, क्या नाम हुआ? प्रतीश। कहाँ से हो?
मैं धन्यवाद झारखंड से। वीडियो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भाई। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी जा रहा हूँ मैं अपना हॉस्टल जा रहा हूँ, हॉस्टल में जा रहा हूँ। पटना में? नहीं बिहार से। बिहार से किस ट्रेन से जाओ? अभी इसी ट्रेन से जाएंगे। अच्छा अच्छा, कौन सा? स्लीपर? स्लीपर क्लास है? नहीं एसी में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था जर्नी एक्सपीरियंस का, तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर मैं खाने पीने की बात करूं, पेंट का खाना वो भी काफ़ी अच्छा था, वाशरूम का भी कंडीशन एवरेज था, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा पूरी जर्नी। सो इस जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, क्या प्यार करते हैं आप, लव यू।